इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ये मॉडल एटकिंसन और शिफ्रिन ने 1968 में दिया था। इस मॉडल को एटकिंसन और शिफ्रिन मॉडल भी कहा जाता है। इसे मल्टीपल स्टोर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन मल्टीपल लेवल पर स्टोर होती है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का मानना था, ब्रेन प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को और क्रिएट करता है मेमोरी ब्रेन में। इस मॉडल का मानना था, हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को। जिस तरह कंप्यूटर इनपुट लेता है, स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर हमें आउटपुट देता है, वैसे ही ह्यूमन ब्रेन भी इसी तरह रिसीव करता है, स्टोर करता है और रिट्रीव करता है इन्फॉर्मेशन को। एटकिंसन और शिफ्रिन मॉडल ने 3 स्टेजेस दी थी मेमोरी की। हर स्टेज पर मेमोरी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अनुसार स्टोर होती है। इन्वायरमेंट से स्टिमुलस मिलने पर इंफॉर्मेशन सबसे पहले सेंसरी मेमोरी में जाती है। अटेंशन देने के बाद इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। ये एक बेसिक सी स्टेज होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की। आइए इन्हें हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्टिमुलस, जो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिलता है। यह इवेंट इनकोड करेगा सेंसरी मेमोरी में। सेंसरी मेमोरी वह होती है जो इन्फॉर्मेशन हमें हमारी सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, टंग से लेते हैं। एक ह्यूमन बॉडी पर बहुत सी सेंसरी इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग होती रहती है। हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली रिसीव करता रहता है इन्फॉर्मेशन को सेंसेस के थ्रू। सेंसरी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन कुछ सेकंड के लिए, 1 या 2 सेकंड के लिए ही स्टोर होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में आने वाली बहुत सी इन्फॉर्मेशन में से हम कुछ इन्फॉर्मेशन पर ही सिलेक्टिव अटेंशन दे पाते हैं। वही इन्फॉर्मेशन आगे ब्रेन में प्रोसेस होती है। मेंटेनेंस रिहर्सल वह प्रोसेस है जिसमें इन्फॉर्मेशन की बार बार प्रैक्टिस की जाती है, जिससे इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक शॉर्ट टर्म मेमोरी में बनी रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में बिना प्रैक्टिस के कोई भी इन्फॉर्मेशन 15 से 30 सेकेंड तक रहती है, उसके बाद जो है वह डिके हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये एक परमानेंट स्टोरेज होता है मेमोरी सिस्टम का। लैबोरेटिव रिहर्सल, इस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को रिलेट करके और मीनिंग समझकर स्टोर करते हैं, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें लंबे समय तक याद रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन लैबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू ही स्टोर होती है। इमोशनल कंटेंट, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें लंबे समय तक याद रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ब्रेन में परमानेंट फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं मेमोरी फॉर्म होने पर। इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में मेमोरी स्टेजेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। सबसे पहले सेंसरी इवेंट आता है, इनकोड होती है इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में फ्यू सेकंड के लिए। जिस इंफॉर्मेशन पर अटेंशन दी जाएगी, वह इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होगी। बार बार रोट लर्निंग करने पर, मेंटेनेंस रिहर्सल करने पर मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बनी रहेगी। अदरवाइज बिना रिहर्सल किए कोई भी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में 15 से 30 सेकंड्स तक ही रहती है, उसके बाद वह डिके हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को मीनिंगफुल वे में इलेबोरेटिव रिहर्सल करके स्टोर करने से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, जिससे हमारी मेमोरी में परमानेंट फिजिकल चेंज ब्रेन में हो जाते हैं। ये था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। आने वाली वीडियो में हम पैरेलल प्रोसेसिंग मॉडल और लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल के बारे